So right now we are just going to the city and main city we are going. What's your name? Thibaut. Thibaut is taking us to the city. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you, Sam. यहाँ पे व्यू देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अलग ही। यहाँ पे हवा आ रही है। I think he is sleeping now. सुबह के 3 बज गए, तो मैंने सोचा यार ब्रेकफास्ट करके सोता हूँ अब। Say hello. Hello guys, welcome to my vlog. Philip, try to come to the pilot ladder, yeah? हमारे वहाँ पे आगे शिप एक खड़ा, एक वहाँ पे एक शिप खड़ा और एक हमारा। वहाँ सनसेट हो रहा है अभी। आर्म कनेक्ट होगी, जो वाइट ब्लू आपको आर्म दिख रही है, ये है कनेक्टिंग आर्म जो कि होती है शिप की। तो ये कनेक्ट होगी यहाँ पे मैनिफोल्ड में। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, सोचो अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। 9:30 बजे भी सूरज दिखाई दे रहा है। तो यूरोप में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको सनसेट बहुत लेट दिखेगा, क्योंकि डेज बड़े और नाइट्स छोटी हैं यहाँ पर। कॉफी फ्रॉस के साथ और मैंने ऊपर थोड़ी सी नेस्कैफे डाल दी। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, जैसे ब्रिज पे तो लाइटें बंद ही रहती है, बट स्टिल एनर्जी सेविंग के लिए जब यूज़ ना हो तो बंद कर दो। देखो ये गैस टर्मिनल है, तो इसके आसपास बस खाली आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा और कुछ भी नहीं। गैस टर्मिनल गैस, यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। जहाँ पे गैस के टर्मिनल होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, आपकी सिटी दूर होती है, तभी आपको हर चीज़ को लेने के लिए, मतलब जो भी आपको कुछ बाय करना है गैस टैंकर पे या कहीं पे भी आपको सिटी में जाना है, तो आपको इतना दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे फ्रांस में हम खड़े हैं अभी, आज फ्रांस के एम्बस पोर्ट में हम, जहाँ पे हम, इस पोर्ट का नाम एम्बस पोर्ट है। और यहाँ से भी सिटी जो कह रहे हैं कि 3 घंटे दूर है, अगर जाना है तो जाओ। और एक दिन की डिस्चार्जिंग, मतलब एक दिन की डिस्चार्जिंग में बंदा जाएगा आएगा, उतने में हम सोचते हैं कि कहीं और ही देखेंगे। अब जहाँ पे लोडिंग पोर्ट है वहाँ पे 2 दिन रहते हैं। आते भी हो तो आपके पास टाइम है, आपको अगले दिन नहीं निकलना है। और बोसन वगैरह डायरेक्ट रूक लिए होता है, क्योंकि हर 6 घंटे में वॉच होती है, तो वो कहते हैं 6 घंटे में बाहर जाओगे, आप 6 घंटे में आओगे, इतने में बंदे थक जाते हैं, तो इसलिए वो जाना प्रेफर ही नहीं करते। तो इसलिए मैं ह्यूस्टन में भी मैं ही जाता था, मेरे को शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं ही चला गया था, क्योंकि इंजीनियर्स का 5 बजे के बाद ऑफ हो जाता है, आपको इंजन रूम में नहीं आना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। आपको अगले दिन मॉर्निंग में आना होता है, बट डेक वॉच के लिए 6-6 घंटे 4-4 घंटे में सबकी चेंज होती रहती है, और वो लोग किशोरली नहीं जा पाते। सुबह के 3 बज गए, तो मैंने सोचा यार ब्रेकफास्ट करके सोता हूँ अब कौन उठेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह 8 बजे, तो भी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर उठूँगा 12 बजे जब लंच करने का टाइम होगा तब। यहाँ पे ये सारा का सारा मिल्क पड़ा है, ये रहा मिल्क अपना, सबसे नया फ्रांस का मिल्क, पता नहीं कौन सा ये लाइट दी ची। चलो भाई बाहर का काम हो गया, अंदर आके अब कॉफ़ी पीने का टाइम है। वैसे इतना बाहर टेम्परेचर मतलब ड्रॉप डाउन हुआ, क्योंकि रात एक तो 17 डिग्री था बट बाहर टेम्परेचर हो रहा है 13। कार्गो हम कनेक्ट करेंगे, कार्गो हम की कनेक्ट से पहले आपको जो प्रोविजन है, जो भी सामान लेना है वो ले लो आप ऊपर, उसके बाद आप ले ही नहीं सकते, ये सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं। तो बस अभी 1.5 घंटे का और काम है, 12:30 हो गए, आई थिंक 2 बजे तक फ्री होंगे, 2-2.5 बजे तक मैं फ्री होऊंगा। टेक ऑफिसर्स तो अभी 6 on 6 अब स्टार्ट है, 2nd ऑफिसर 3rd ऑफिसर की। अभी वो टेस्ट कर रहे हैं कनेक्शन करके, कि आपको इमरजेंसी स्टॉप भी टेस्ट करना होता है जब आप मैनिफोल्ड पे कनेक्ट कर देते हो लीक टेस्ट के बाद, आप लीक टेस्ट से पहले मतलब आप श्योर कनेक्शन किया करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको सिस्टम बंद करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा कार्गो ऑपरेशन, तो वो आप एक्टिवेट हो जाए, तो भी हम वही ट्राई करें श्योर ये करता हूँ कार्गो इन बिटवीन रोकना हो, तो आप एक प्रेस बटन करोगे और कार्गो सारा का सारा स्टॉप हो जाएगा। सो कोई भी पंपिंग एक्शन या कुछ भी नहीं होगा, सारी मशीन शट डाउन हो जाएगा बेसिकली सिस्टम ही, तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं अभी ESD इमरजेंसी शट डाउन। तो बस उसी के लिए भी चीफ ऑफिसर डेक पे गए हैं, और मैं यहाँ पे CCR में ट्राई कर रहे हैं वो वहाँ से,
जब ये ग्रीन लाइट आ जाएगी तब नॉर्मल हो जाएगा। सो हमने इमरजेंसी शट डाउन कर लिया, अब इसको करना है रीसेट। तो एक दो प्लांट ये कनेक्ट हो गया चार्ज, ये हो गया दो, ये रहा तीसरा गैस प्लांट ही है ना। बस ये सब कुछ आपको रीसेट करना होता है, क्योंकि जब ट्रिप होता है वैसे ही आपको ब्रेकर रीसेट करने होते हैं। अब ब्रेकर रीसेट कर दिए नहीं कल रात के बाद तो मैं ऐसा सोया, सुबह 4 बजे आया और एकदम से बैठे बैठे बस यहाँ पे बैठे ही था चेयर पे कि सो गया, और फिर बेड पे हम लेट हो गया मैं बिल्कुल ही। अभी उठाऊँ 12 बजने वाले हैं और अब लंच के लिए जा रहा हूँ। ऑन साइनर आ चुके हैं, ऑफ साइनर अभी जा रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और चीफ इंजीनियर अभी जा रहे हैं, और जो ऑन साइनर थे वो आ चुके हैं। 5-6 घंटे का हैंडिंग ओवर होगा, शाम तक वो लोग निकलेंगे क्योंकि जो एलेक है उसकी फ़्लाइट है रात की। सुबह का टाइम है तो ये पानी कितना ब्राउन है, मतलब इतनी मिट्टी है यहाँ पे कि आपको अपने पंप्स को बचाने के लिए वो फ्रेश वाटर कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको लगाना ही पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत सी फेरर्स के साथ ये होती है कि जब जिस कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ की करेंसी होनी चाहिए। अभी मेरे पास डॉलर है और मेरे को चाहिए भी यूरो, नहीं करेंगे जिसके लिए मुझे चाहिए यूरो, तो पहले ये चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सी फेरर्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि आप जिस कंट्री में जाओ आपके पास उस कंट्री की करेंसी अगर होगी तो आपका टाइम से वो मुझे सेकेंड चला गया, ऊपर सेकेंड चला गया, अभी उसने ट्रैवल नहीं किया क्या? अच्छा फिल्टर हो गया। चलो उसको तो 2 मिनट लगेंगे कपड़े चेंज करने में। सूरी मेरे पास ये है $70 से, बाकी मेरे पास $30 है। मैं रेडी होकर आ गया हूँ, बस सेकंड इंजन का मैं वेट कर रहा हूँ ECR में ताकि वो जल्दी से आए ऊपर, फिर तो वो बहुत लेट लगाएंगे इसलिए मैं उनको जल्दी से बुला रहा हूँ ऊपर ताकि फिर हम सब इकट्ठे होकर जा सकें, मैं फिट और सेकंड, हम तीनों जा रहे हैं शॉर्ट लिप। तो कुछ बाय कर लेंगे, देख लेंगे, और वैसे भी इतने दिन हो गए शॉर्ट लिप गए नहीं, ट्रिनिदाद में गए थे मतलब 20 दिन पहले, और अब यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। कह रहे हैं वैसे विलेज है यहाँ पर, स्मॉल टाउन है, पर ठीक है स्मॉल टाउन भी, अगर आप नई प्लेस में जाते हो, अगर आप स्मॉल टाउन में भी जाते हो कुछ हल्का सा खा ही लेते हो शिप के बाद। या फर्स्ट वी विल गो टू वेयर मॉल टू बाय समथिंग। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस रिवर? समवन वाज टेलिंग मी अवर मेट फ्रॉम द शिप, ही वाज टेलिंग देयर इज अ फेमस रिवर, या Mirror of water? Yeah. Yeah, okay. So right now we are just going to the city and main city we are going. What's your name? Thibaut. Thibaut is taking us nice to the city. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Rohit, I'm third engineer Rohit. Hold on. Rohit. National? Yeah. Today? Today and tomorrow. Okay. So, I don't know in English. Independence Day. No. Nearly. So it's like. कभी यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, इतना सारे बैंड्स हैं यहाँ पे। हम पहुंच गए हैं सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, बस यहाँ पे हमें उतारेंगे, फिर हम वॉक करना स्टार्ट करेंगे, फिर हमें कहीं पे भी घूमना है हम घूम के फिर कॉल करेंगे। नोवा कमजोस। एंड योर नेम? माय नेम टीबो। यहाँ पे यूजली ओपन रेस्टोरेंट, आप यहीं पे बाहर बैठ के खा सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मनी एक्सचेंज करवाने के लिए क्योंकि यहाँ पर डॉलर है और जो टीबो है उसको चाहिए यूरोस, तो यूरो में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मनी एक्सचेंज, और वो यहीं पे है, हम यहीं पे पास में जा रहे हैं, फिर देखते हैं। फॉर बेबीज दिस इज barbeo.com। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों के पास एग्जॉस्ट भी है, बाइक्स मतलब
दिल्ली में ही शौक मुझे लग रहा था होगा, बट फ्रांस में वहाँ पे एक होंडा का मॉडल खड़ा है जो मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल बहुत ओल्ड है वो मॉडल, क्योंकि वो बहुत पहले आता था, अब आता नहीं है। सो CBR का ये वाला मॉडल, और अभी जो बाइक की आवाज़ आ रही थी वो थी ये एग्जॉस्ट Kawasaki 900 विद आई थिंक 900 ये। तो लोगों को यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शौक है बाइक में एग्जॉस्ट लगवाने का। Now we are actually in the middle. No problem in that. अभी एक पाकिस्तानी भाई साहब मिले, उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे मनी एक्सचेंज है, ये रहा चेंज पाए फिर। सो आई थिंक यहीं पे हमें चेंज करने को मिलेगा। दिस इट्स क्लोज, वेलकम, क्लिक हियर। नो इट विल नॉट, हाँ मे बी दे विल ओपन अप आफ्टरवर्ड्स, बट आई डोंट थिंक इट्स क्लोज ऑलरेडी। 1900, oh, just in time, 1900. Oh, shit. Maybe no more. Shit. नहीं, आप यहां, इधर से हाँ, मैं नहीं, मैं तो शिपिंग में था। अच्छा पुल के सामने 15-20 मिनट लग जाएंगे। अभी 10-15 मिनट हो गए घूमते घूमते, और शायद यहाँ पे सब कुछ ही बंद हो जाता है 7 बजे, तो 7:30 तो होने वाले हैं। अभी भी सारी शॉप्स बंद हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बंद हो रही है। और वो शायद चर्च है जो बिल्कुल वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो चर्च है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चर्च? यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, आपको खाना है तो फाइन डाइनिंग। बट यहाँ पे जो मनी एक्सचेंज की वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 7:30 बजे सब कुछ बंद हो रहा है। सो राइट नाउ वी आर ऑर्डरिंग इन मैकडोनल्ड, हमें कुछ और मिला नहीं, हमें मैकडोनल्ड में हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिटर ऑर्डर कर रहा है बीफ सैंडविच विद कोक। हाँ विच सैंडविच यू वॉन्ट, क्रिएट योर मेन्यू, मैक स्टार्ट। आज तक स्टोर क्लोज होते हुए देखा होगा, बट यहाँ पे फ्रांस में जहाँ पे हम अभी हैं, बारदो में जहाँ पे अभी हम हैं इस वक्त, यहाँ पे फ्रांस में 7 बजे के बाद वॉशरूम भी बंद हो जाते हैं। मतलब स्टोर्स तो बंद होते ही होते हैं, यहाँ पे वॉशरूम भी बंद हो जाते हैं। ये एक अलग ही चीज़ है यहाँ पे जो मैंने पहली बार देखी है। मतलब स्टोर्स खुले हुए हैं, आप मैगी में बैठ के खा सकते हो, पी सकते हो, और जब वॉशरूम जाना है तो नहीं। वो बाहर आए तो उन्होंने बोला पहले आपको यहाँ पर कुछ खाना होगा, हम दूसरे रेस्टोरेंट में गए तब आपको वॉशरूम जाना अलाउ होगा। तो अभी हम स्ट्रीट पे ढूंढ रहे थे मैप लगा के, और यहाँ पे ये मिला है, ये वॉशरूम। अब सेकेंड इंजन गया है बस यहाँ पे अभी, और ये फ्री है, यहाँ पे कुछ पे नहीं करना। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बहुत देर में, मतलब बहुत डिस्टेंस में आपको वॉशरूम दिखेंगे, जो कि पोर्टेबल वॉशरूम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि पब्लिक वॉशरूम जो है वो काफ़ी डिस्टेंस में है, तो ये प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। बाइकों का शौक है लोगों को, बट बाहर भी बहुत ज़्यादा है। ये है CBR की फायर ब्लेड विद एक्रा पोविच एग्जॉस्ट, और बहुत क्रेजी लग रही है बाइक, बट भूसा भूसा है ये बात फॉर श्योर है। एक्रा पोविच का इसमें फुल सिस्टम लगा हुआ है, और टाइटेनियम है, तभी उसका कलर चेंज हो गया। वो देखो फुल सिस्टम टाइटेनियम, क्रेजी। मुझे अपनी भूसा की याद आ रही है इसको देख के, कि अगर भूसा होती तो मैं भी वो राइड करता। बट यहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है फ्रांस में। मैंने यहाँ पे स्ट्रीट्स में देखा है बहुत लोग, एक वहाँ पे खड़ी है वो देखो, वो आई थिंक कुछ छोटी सेगमेंट की बाइक है, बट स्टिल यहाँ पे आपको लोग एग्जॉस्ट के साथ दिख जाएंगे। अब ये कोई और है, Triumph 200। सी एक और ये मिल गई, फेरस मेटल यूज़ किया गया है इसमें। तो ये सारा का सारा, तभी कुछ जंग वगैरह आप देखोगे, बस खाली ऑक्सीडाइज होके इसका कलर चेंज हुआ। ये देखो ये मेटल से बना हुआ है, तभी इसका कलर उड़ा नहीं है, ये फेरस मेटल है, तो ये ऑक्सीडाइज होके बस इसका कलर चेंज होता है ग्रीन में। और कुछ कुछ देखोगे आप जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे वो डार्क ग्रीन हो चुका है, और लाइट ग्रीन जहाँ पे एयर का, मतलब शाम का यहाँ पे माहौल इतना हैपनिंग है। हम रिवर के साइड में चल रहे हैं अभी, और यहाँ पे सब लोग अभी बस वहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा था।
7 o'clock बंद हो जाता तो हमें फ्रूट लेना था और कुछ और हमें लेना था कुछ बाय करना था चिप्स बट स्टिल ही इज सेइंग टी बॉय इज सेइंग एवरीथिंग इज क्लोज यू कैन नॉट बाय एनीथिंग नाउ बट सो मेनी कार्स आर देयर या यस बट ही गोस टू द बार टू द पब टू एवरीथिंग इज क्लोज पता नहीं ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे पहली बार देखा मैंने कि ऐसे 7 बजे सब कुछ बंद हो रहा है अभी हम 10 बज चुके हैं हमें हम निकल रहे हैं यहाँ से अब सीधा वैसल के लिए और थक गए हैं घूम घूम के वैसे खा भी लिया एंजॉय भी कर लिया पार्टीज़ भी देख ली कॉन्सर्ट भी देख लिया और बहुत सारी चीज़ें घूमने को मिली तो यही होता है एक दिन का टाइम मिला अगर 2-3 दिन का टाइम मिला होता तो रोज़ आते बाइक का क्रेज अलग लेवल में आ रहा है सुबह हो गई है रात के बाद हम लोग रात को आए थे और उसके बाद कार्गो लोडिंग चल रही थी तो मुझे एकदम से कॉल आई तब से मैं बिजी था प्रोविजन के लिए सबको जाना होता है तो प्रोविजन आने के बाद हम सब गए प्रोविजन लिया बारिश भी होगी बीच में और उसके बाद कल रात से लेके अभी तक जागा ही हुआ था तो अब जाके रेस्ट मिलेगा 9 बज गए सुबह के घूम भी आए सिटी एक न्यू एक्सप्लोर भी कर ली मतलब जो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था सिटी में घूमने का वो मिल भी गया सिटी में कि हमारे पास यूरोज नहीं थे हमारे पास डॉलर थे तो वो कन्वर्ट करवाने में प्रॉब्लम हुई प्लस सेकेंड इंजीनियर के पास क्रेडिट कार्ड था बट हम उसी को यूज़ कर पाए ज़्यादा नहीं यूज़ किया हमने और डेबिट कार्ड उसका चल नहीं रहा था मैं डेबिट कार्ड लेके नहीं गया था मैंने सोचा सिटी में चेंज हो जाएगा बट यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं 7:30 बजे शाम के या फिर 7 बजे तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप कभी भी फ्रांस जाएं तो आपकी पास यूरोस पड़े और वॉशरूम सबसे बड़ी दिक्कत थी वॉशरूम मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हो अगर आप 7 बजे के पास आप कहीं पर एंटर करते हो तो वो पहले वॉशरूम क्लोज कर देते हैं खाना पीना आप चाहे वहाँ पर खा लो जैसे मैकडी मैम गए थे यहाँ सबवे में बट अगर आपको वॉशरूम जाना है तो कहीं ऐसी लोकेशन ढूंढो जहाँ पे आप कुछ बाय भी करो फिर वॉशरूम भी जाओ क्योंकि पब्लिक टॉयलेट जो यहाँ पे थे पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे इतने सही नहीं थे तो आप किसी को मना नहीं कर सकते इंडिया में जैसे रूल है कि आप किसी को होटल या रेस्टोरेंट में मना नहीं कर सकते कोई भी आपको वॉशरूम यूज़ कर सकता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको कुछ बाय करना पड़ेगा तभी आपको अलाउ करेंगे तो कल का एक्सपीरियंस भी अच्छा था बट थोड़ी ये वियर्ड चीज़ें भी देखी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बताना जरूर कि वीडियो में क्या पसंद आया कल फेस्टिवल भी था सैटरडे भी था और हमारे लिए टाइम अच्छा स्पेंड हुआ अब हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए टर्की 10 दिन में हम टर्की पहुँचेंगे टर्की पहुँचने के बाद हमारा शिप डॉक में जाएगा और उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हम टर्की में रहेंगे डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चैनल ग्रो कर रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से ज़्यादा प्यार दो ज़्यादा शेयर करो बाय बाय सी यू टेक केयर मिलते हैं न्यू वीडियो में लाइफ यही है जर्नी एक सी फेयर की शिप पे कैसे वो जाता है शोर लीव क्या लाइफ होती है शिप की क्या लाइफ होती है हम लोगों के घर की और यही मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को दो लाइफ के अलग सर्कल्स में हम कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं